यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की सीएम सिटी करनाल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखी है जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो करनाल से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लोन देने वाली स्वाधार फाइनेंस कंपनी में चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। फतेहाबाद में कंपनी की ब्रांच में जो मैनेजर रहा वो ही इस मामले का आरोपी है। तीनों साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो तीन साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात की गई, पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया है, 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ केसी आर्य हमारे संवाददाता करनाल से फोन लाइन पर है। केसी आर्य, पूरी जानकारी क्या है इस गिरफ्तारी को लेकर? ज्योति, ये मामला यहाँ करनाल के सीआई ए वन शाखा द्वारा सुलझाया गया, जिसमें कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले, ये करनाल की मुगल कैनाल से जो एक प्राइवेट बैंक है उसकी यहाँ शाखा से तिजोरी सहित लगभग 45,63,000 रुपए की जो तिजोरी सहित चोरी की गई थी, उसी मामले में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। और एक जो मुख्य आरोपी है दीपक, जो कि इसी बैंक का जो मैनेजर रह चुका है और आजकल फतेहाबाद ब्रांच में काम कर रहा था, उसकी द्वारा ये सारी साजिश रची गई थी। और जो तीन साथी हैं उसके अलग अलग शहरों से, उनके साथ मिलकर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। करनाल तीन आरोपी हैं किसी पूरे मामले की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का पक्ष क्या है? जो बाकी तीन आरोपी बचते हैं मुख्य आरोपी के अलावा, उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस क्या कहती है? हाँ देखिए, पुलिस जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक जे एस रंधावा, उनका दावा तो ये है कि जो तीन फरार अब जो आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जल्द ही जो बकाया राशि है बरामद कर ली जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। 45 लाख से ज्यादा की चोरी की गई थी जिनमें से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। ये 5 लाख रुपए मुख्य आरोपी से बरामद किए गए हैं जिसे गिरफ्तार किया गया करनाल पुलिस की ओर से। तो बड़ी खबर दी आपको करनाल से।